मॉड्यूल फोर्टी फाइव इनपुट प्राइसेस बेसिकली जब भी इनपुट प्राइसेस में चेंज आएगी बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन इनपुट प्राइसेस एग्रीकल्चरल कमोडिटी अंडर कॉन्सिडरेशन अब उसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हमने सप्लाई कर्व की बात की थी हमने कहा था सप्लाई करव इज अ करोज ऑप्टीमल लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कॉमोडिटी अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेज ऑफ आउटपुट वाइल कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट लेकिन जब आप चेंज और यहां पे क्या हो रहा था देर इज ओनली चेंज इन प्राइस ऑफ आउटपुट आउटपुट देर इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी वाइल इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट और इस सारे में क्या हो, होती थी मूवमेंट अलॉन्ग कर्व बट इन रियल लाइफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट देयर इज चेंज इन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म्स

कि देयर इज डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट सप्लाई कर्व करूवर्ड आर इट विल मूव डाउन वर्ड जब हम एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करते हैं अगर हम क्रॉप्स के रेफरेंस में बात करें तो वहां पे मेरे पास वीट भी होगा राइस भी होगा फ्रूट्स भी होंगे वेजिटेबल्स भी होंगी अब इन सारे आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर नीड सर्टेन इनपुट्स हां जी वो इनपुट्स क्या हैं सीड हो सकता है सीड भी रिक्वायर्ड होगा फर्टिलाइजर भी रिक्वायर होगी कॉस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन भी इन्वॉल्व होगी वेन एवर अ फार्मर नीड्स टू प्रोड्यूस वेट राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर फिर अगर मैं इसी पैटर्न पे लाइफ स्टॉक के रेफरेंस में बात करूं तो वहां पे मेरे पास बीफ हो सकता है एग्रीकल्चरल आउटपुट चिकन हो सकता है मिल्क हो सकती है और अंडे भी आ सकते हैं वहां पे अब इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा द मेजर इनपुट दैट इज डूज इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर इट इज द दर के जी पोल्ट्री की के, चिकन के केस में क्या हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल इट इज दोल्ट्री फीट हांफ स्टॉक के रेफरेंस में बात करना है the इन इन परचेज करेगा फार्मर हैज तो फेस सर्टन कॉस्ट और जब भी इन इनपुट्स इन की प्राइस चेंज होगी इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी अंडर कॉन्सिडरेशन जी इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ चिकन एंड प्राइस जी एसोसिएशन क्या है देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ चिकन एंड प्राइस ऑफ चिकन अगर हम एज्यूम करें देर इज इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पोल्ट्री फीड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पोल्ट्री फीड क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Will increase, and because of that increase in cost of production, supply curve will shift leftward. Now, indicate karne ke liye hum diagram mein kya ke we will draw another supply curve that we are denoting with S one. And this movement from S to S one indicate there is decrease in supply, and this decrease in supply is because of increase in input prices. अगर मैं इसी चीज को हम एबोरेट करें विद रेफरेंस टू डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस तो बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म्स विल डिक्रीज हाँ जी उसको एलेबोरेट करने के लिए हम किस चीज की एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वीट सप्लाई एंड प्राइस की अगर मेरी अजम, हम एज्यूम करते हैं देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर बैग्स बिकॉज़ ऑफ़ दैट डिक्रीज़ इन फर्टिलाइज़र के जी खाद की प्राइसेस कम होगी मार्केट में जब खाद की प्राइसेस कम होगी इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट फॉर फार्मर जब वो फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी देन इट रिजल्ट इन अ राइट वर्ड शिफ्ट इन दिस एंड दिस मूवमेंट फ्रॉम एस वन टू एस टू इंडिकेट इनक्रीज इन सप्लाई ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट हमने यहां पर क्या एज्यूम किया था इनपुट हमने एज्यूम की थी प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर एज्यूम किया था देर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्टीलाइजर अभी जो हमने बात की थी वहां पर हमने इंडिकेट किया देर इज आइर इंक्रीज इन सप्लाई आर देयर इज आर डिक्रीज इन सप्लाई वेन एवर प्राइस ऑफ इनपुट चेंजेस बट इट माइट बी पॉसिबल प्रोपोर्शनेट इनक्रीज प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेज इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट प्राइसेस यादर वे देन क्या होगा कि आल्थो तो देर इज प्रोपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस एंड एंड बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट प्राइसेज देन देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज बींग प्रोड्यूस्ड बाई प्रोड्यूसर उस चीज को डायग्रामेटिकली शो करने के लिए हम क्या करते हैं के जी अगेन उसी पैटर्न पे हम एक सप्लाई कर्व ड्रा करते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं विद प्रशनेट डिक्रीज इन प्राइसिस बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट बाय 50 परसेंट क्या होगा आवर सप्लाई कर फ्रॉम एस वन टू एस टू क्या जी अलोंग एस वन प्राइस सप्लाई कर्व क्या था प्रोड्यूसर

Decre moves from P1 to P2. What is indicated hai There is decrease in price of wheat, and because of decrease in price of wheat, again what is happening? Supplier is willing to produce a quantity of wheat. Ke, uh, when there is proportionate increase or decrease in prices of inputs and output, then there is no change in quantity supplied by producers. अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो वो मुझे क्या इंडिकेट करता है कि वेन एवर प्राइसिस ऑफ इनपुट चेंजेस इट रिजल्ट कमोडिटी इनपुट प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज कर जाएगी अगर हम एज्यूम करें प्राइस ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ इनपुट इंक्रीज करेगा सप्लाई आपके पास क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी